पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर्नाटक के मंत्री स्टालिन और डीएमके के सांसद द्वारा सनातन को अपमानित करने और खत्म करने के बयानों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सनातन को खत्म करने की ताकत तो पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। वो केवल अपना वोट बैंक साधने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि कर्नाटक में ईसाई समाज के लोग ज्यादा हैं। सनातन को खत्म करने की उनकी ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति है, और ऐसे लोगों को जल्द ही जवाब मिल जाएगा जो सनातन धर्म को कोई भी हानि पहुंचाएगा। मोटी या क्षत्रियों को जागृत करना, जो लोग कर्तव्य पथ से थोड़ा बगल हो गए उनको कर्तव्य पथ पे लाना, बच्चों को हायर एजुकेशन देना, क्योंकि तलवार का अब जमाना रहा नहीं, अब जमाना आ गया है शिक्षा का। आरक्षण भी हमारे पास नहीं है, है तो बहुत थोड़ा अभी डिक्लेयर हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि उनके हाथ में मजबूत कलम हो, अच्छी परसेंटेज लावाएं, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। यहाँ जॉब नहीं मिलेगा तो अमेरिका में मिल जाएगा, कनाडा में मिल जाएगा, लंदन में मिल जाएगा। यह अपना उद्योग संभालें। प्रधानमंत्री जी ने बहुत उद्योग दिया है, लोग गाँव तक पहुँच नहीं रहा है, तो उस उद्योग में आवाएं। वो तमाम सब्सिडी है, तमाम बातें हैं, फाइनेंस बहुत अच्छा है, तो उसका फ़ायदा लेके खेती में कुछ बचा नहीं है। अभी खेती में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल जो आवारा पशु हैं, नीलगाय हैं, बंसूरा हैं, ये किसानों को तंग करके रख दिए हैं। रात रात भर जग रहे हैं लोग, एक दिन गलती हुई तो एक दिन में ख़त्म कर देते हैं फसल पूरा। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, कुछ एक टैक्स लगा दीजिए, और हर ज़िले में लोगों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं, भाई गौ सेवा करिए, और इस तरह से जानवर सड़क पर नहीं आने चाहिए, उसमें आप मदद करिए सरकार को। ये सब मिशन हमारा है। और लड़कियों की शादी में दहेज नहीं लिया जाए, जो पैसा शादी में फालतू खर्चा होता है, दहेज में खर्चा होता है, वो अपना उसके हायर एजुकेशन पे खर्चा किया जाए। लोग बहुएँ शिक्षित लावें, इंजीनियर लावें, डॉक्टर लावें, MBA लावें, और उनका घर बन जाएगा। ये सब मिशन हम लेकर चल रहे हैं। सामूहिक विवाह हो, 11 शादी इकट्ठा एक स्टेज पर होगी, 11 आदमी मिल के खर्चा बांट लीजिए, उसमें सभी सम्मानित लोग आएंगे, आशीर्वाद देने आएंगे। भगवान राम की शादी सामूहिक विवाह में हुई थी, लोग हमारे लोग शर्म करते हैं कि नहीं हमारा नाम खराब हो जाएगा, भगवान राम से बड़ा कोई राजपूत है क्या? तो ये सब मिशन लेके हम चल रहे हैं। कुछ लोग नशे वशे की तरफ घूम गए हैं, नए लड़के, ठीक है, पुराने में भी था, ऐसा नहीं था, तो उनको ठीक है, उनको संभाला जा रहा है कि भाई ये बहुत बुरी चीज़ है, अगर पीना ही है तो दवा के रूप में पियो एक आधा पैक, क्योंकि एकदम तो छोड़ने वाले हैं नहीं। समाज तो सुधार जी, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन को खत्म करने के बाद देश में उठी है, पहली बार उठी है, कई सांसदों ने कहा है, स्टालिन ने कहा है, और डीएमके का सांसद है राजा, आप संसद में रहे हैं, जब सनातन ही नहीं रहेगा तो समाज कैसे बचेगा? देखिए, उनकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पर दलित समाज बहुत ज़्यादा है, तो अपनी पार्टी करके अपना वोट संभाल रहे हैं। सनातन को ख़त्म करने की उनकी ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, पूरे दुनिया में किसी की ताकत नहीं है सनातन ख़त्म करने की, लेकिन अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।